हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन ठाकुर और आप देख रहे हैं चैनल करंट न्यूज जॉब्स। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। इस सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसके बारे में जानकारी। अगर आपने पिछले सप्ताह का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप इस पर प्रेस करके पिछले सप्ताह का वीडियो देख के रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का लाल सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हर सप्ताह जो नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल में आपको मिल जाए। अगर आपका इस चैनल के बारे में कोई भी सुझाव है तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें इस फेसबुक आईडी के माध्यम से भेज सकते हैं। आपके जो भी सुझाव हमारे पास आएंगे हम उन्हें अपने वीडियो और चैनल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। विभाग का नाम है एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ECHS दिल्ली। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है OIC पॉलिक्लिनिक के 3 पद, मेडिकल स्पेशलिस्ट के 10 पद, गायनेकोलॉजिस्ट के 3 पद, मेडिकल ऑफिसर के 34 पद, डेंटल ऑफिसर के 9 पद, लैब टेक्नीशियन के 5 पद, लैब असिस्टेंट के 7 पद, फार्मासिस्ट के 16 पद, ड्राइवर के 4 पद और नर्सिंग असिस्टेंट के 9 पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। उम्मीदवार जो ऊपर दिए गए पद के क्रम अनुसार इस कॉलम में दर्शाई गई क्रमवत शैक्षणिक योग्यता को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, संस्थान, बोर्ड या इंस्टीट्यूट से पूर्ण करते हों वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता के संबंध में अधिक जानकारी हेतु उम्मीदवार विज्ञापन का अवलोकन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की ऊपरी आयु सीमा को पद के अनुसार 53 वर्ष, 56 वर्ष, 63 वर्ष, 66 वर्ष और 68 वर्ष पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। इन पदों के लिए ऑफलाइन आवेदन 7 दिसंबर 2022 से प्रारंभ हो चुके हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 9 जनवरी 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए जो लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है उस तिथि को उम्मीदवार को बाद में सूचित किया जाएगा। पदों के लिए उम्मीदवार को पद के अनुसार अच्छा मासिक वेतनमान दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ये भारत सरकार का उपक्रम है। विज्ञापन संख्या है 2/2022। पदों का विवरण है स्नातक इंजीनियर ट्रेनी पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 100। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में गेट 2022 परीक्षा जिन उम्मीदवारों ने पास की है वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की अधिकतम आयु को इन पदों के लिए 29 वर्ष निर्धारित किया गया है। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक वर्ग और महिला उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार जो नॉन क्रिमिनल लेयर से संबंध रखते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 300 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग वर्ग, भूतपूर्व सैनिक वर्ग और दामोदर वैली कॉरपोरेशन में कार्यरत विभागीय कर्मचारियों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 3 दिसंबर 2022 से प्रारंभ हो चुके हैं और आवेदन की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 31 दिसंबर 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए जो लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है उसकी सूचना उम्मीदवार को दामोदर वैली कॉरपोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को पे मैट्रिक्स स्तर 10 सातवें वेतन आयोग के तहत अर्थात रुपये बेसिक 56,100 के तहत उम्मीदवार को मासिक वेतनमान दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार दामोदर वैली कॉरपोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की पीडीएफ फाइल का लिंक दे दिया गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप इसमें अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं। अगर आपका वीडियो के संदर्भ में कोई भी किसी तरह की आशंका है तो आप अपने मैसेज भी हमें भेज सकते हैं। ये फेसबुक आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप हमें मैसेज कीजिए, आपके जो भी मैसेज हमारे पास आएंगे हम उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और चैनल को ढेरों सारा प्यार देने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से चैनल को देखते रहिए और दूसरों के साथ में वीडियोस को शेयर करते रहिए। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट सप्ताह एक नई वीडियो के साथ मुझे आप लोगों से फिर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी है खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।